पब्लिक टीवी आपकी आवाज। ये हर्ष का विषय है कि हमारे शहर मुरादाबाद में गुजरात से श्री रमेश भाई ओझा जी राम कथा का अमृत पान कराने के लिए मुरादाबाद के नागरिकों को मुरादाबाद में आ रहे हैं। वो 31 तारीख को यहाँ पर कलश यात्रा निकलेगी। बहुत ही भव्य कलश यात्रा का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। इसके पश्चात 1 तारीख से और 9 तारीख तक जो है राम कथा का जो आयोजन है वो उनके मुख से अमृत जो अमृतमय वाणी से जो सुनेंगे। हमारे शहर मुरादाबाद में पहले भी बहुत ही बड़े बड़े संत आते रहे हैं। डोंगरे जी महाराज ने आज से 40 साल पहले कथा की थी। इसके बाद भी और भी जितने भी संत हैं, मुरादाबाद की धरती ऐसी है कि यहाँ पर वो भी आकर के धन्य हो जाते हैं और जो यहाँ की जनता है वो भी इतनी मधुर है कि उनको सुनने के लिए आतुर रहती है। और ये मेरा निवेदन है कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें यहाँ पर, जो अपना बुद्धि विहार का मैदान है और इसका धर्म लाभ कमाएं। और जो भंडारा है हमारे लोहिया जी परिवार के द्वारा बहुत ही मेहनत कर रहे हैं हमारे भाई सब लोग जो खड़े हैं यहाँ पर, और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम सब लोग मिलकर मुरादाबाद की जनता मिलकर के करती है। जय हिंद, जय सियाराम। श्री महाराज ओझा जी भाई जी जो विश्व प्रसिद्ध हैं वो इस अवसर पर इस महोत्सव में पधार रहे हैं, जो 1 फरवरी से 9 फरवरी तक अपने प्रवचन करेंगे। और इस महागंगा में, इस महाअमृत वर्षा के अंदर सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्राप्त करें, ये सभी शहरवासियों से अनुरोध है। ऐसा समय बहुत कम समय मिलता है जो ऐसे दिव्य जो संत हैं जिनके मुख के द्वारा हम डायरेक्ट में लाइव उनको देख पाते हैं और सुन पाते हैं। तो सभी से अनुरोध है कि सभी लोग आएँ। और एक चीज़, और वो जो ज्ञान की अमृत है जिससे अपना समर्पण भाव आएगा और अपने ज्ञान जो जिसकी वजह से शरीर एग्जिस्ट करता है उसके अंदर जो निर्मल मन है वो निर्मलता आएगी, ताकि हम स्वयं को पहचान सकें और उनके आदर्शों पर चल सकें। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।